बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी, कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। मैं कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं, बिहार तीन हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है, तो आपसे मैंने कई बार आग्रह किया है हाथ जोड़ के, आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी, कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। मैं बार बार आपसे कुर्सेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से भीमनगर के लिए 190 करोड़ का नहीं पूछा है, केवल कुछ इनका विचार रख रहे हैं, इनके विचार का हम सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय सांसद जी कि जितना 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 काम बिहार में इन 10 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है और उसमें कोई दो राय नहीं। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज याद कीजिए, कितने वर्षों से पेंडिंग था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। एक एक करके प्रोजेक्ट अगर गिनाने लगे माननीय अध्यक्ष जी तो आप देखेंगे किस तरह से बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है और ये काम की गति और भी आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इसमें कोऑपरेट करें। आप तो रेलवे के बहुत पुराने बड़े अच्छे जानकार हैं और आपके यहाँ तो एक बहुत अच्छी रेलवे की फैक्ट्री भी बनी है, तो आप रेलवे के संबंध में और भी अच्छे सुझाव दें और उन सुझावों को लेके साथ काम करेंगे और मिलके बिहार को एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे।